सब लोग, आज हम दो कलर का एक बहुत न्यू पैटर्न बनाएंगे जो बेबी स्वेटर के लिए है, और बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये पैटर्न हमारा उल्टी तरफ से शुरू होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं सीधी तरफ से। पहले हम दूसरा कलर लगाएंगे। पूरी सिलाई हम इससे बुनते हुए सीधा सीधा एक सिलाई पूरी उतारेंगे, और फिर बैक साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू होगा। तीन तीन फंदे में बनने वाला ये पैटर्न है, और एक कलर से हमको दो ही सिलाइयाँ बनानी हैं। ये देखिए मैंने एक सिलाई उतार दी है। अब इधर से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। तो देखिएगा पहले हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे मतलब, फिर हम एक फंदा इस पर ऐसे लपेटेंगे। अब हम तीन फंदे बुनेंगे, और जो हमने फंदा लपेटा है इसी फंदे को हम इन तीन फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर से हम एक धागा लपेटेंगे सिलाई पर, तीन फंदे फिर से बुनेंगे। ये देखिएगा अब ये जो फंदा हमने लपेटा था इसी फंदे को हम इन तीनों फंदों के ऊपर से उतारेंगे। फिर एक फंदा लपेटेंगे, तीन फंदे फिर से बुनेंगे हम। अब ये लपेटा हुआ फंदा सिलाई के ऊपर से उतारेंगे तीन फंदों के ऊपर से। फिर से एक बार लपेटेंगे, तीन फंदे फिर से बुनते हैं। ये देखिए तीन फंदे मैंने बुने। अब ये जो फंदा मैंने लपेटा था इसी फंदे को मैं इन तीनों फंदों के ऊपर से उतारूंगी। तो ये देखिए अब हम अपने बेस कलर से बुनेंगे। इधर से हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर ही कंप्लीट करेंगे, और उधर से तब हम जाकर इसमें डिजाइन बनाएंगे। जो सिलाई हमको पूरी सीधी सीधी ही बुननी है। बनाने के बाद जो डिजाइन बहुत सुंदर लगता है, और बनाने में भी बहुत इजी है। थोड़ा ढीले हाथ से बुनना है इसको, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बुनना है। अभी देखिए बैक साइड आ गए। पहले हमने दो फंदे बुनने के बाद ये पैटर्न शुरू किया था, तो अब की बार हम इसकी जगह बदलेंगे। तो हम एक फंदा बुनने के बाद ही इस पैटर्न को शुरू करेंगे। देखिए एक फंदा बुन के ये मैंने फंदा लपेट लिया। अब हम तीन फंदे फिर से बुनेंगे इस तरह से। अब ये फंदा हम इन फंदों के ऊपर से उतार देंगे तीनों के ऊपर से। फिर से हम एक फंदा लपेटेंगे। अब हम अगले तीन फंदे फिर से बुनेंगे। अब ये फंदा हम लपेटा हुआ फंदा है तीनों के ऊपर से उतारेंगे। फिर से एक फंदा लपेटेंगे। थोड़ा लूज हाथ से बुनना है, नहीं तो ये टाइट होता जाएगा। फिर इस फंदे को तीन फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर से एक बार लपेटेंगे। अब फिर से हम तीन फंदे अपने बुनेंगे। अब इस फंदे को हम इसके ऊपर से उतारेंगे। लास्ट का फंदा हम अपना ऐसे बुनेंगे। अब देखिएगा अब हम इसे फिर से लाल दूसरे कलर से बुनेंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये डिजाइन ऐसे ही हर बार बनता जाएगा। तो सीधी तरफ से हमको सीधी सिलाई उतारनी है, और उल्टी तरफ से जाकर हमको पैटर्न शुरू करना है। और बस थोड़ा लूज हाथ से बुनना है, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा। थोड़ा ढीले ढीले फंदों के साथ हम इसको बनाएंगे, जिससे हमारा स्वेटर टाइट ना हो।